तो यूनिट वन हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। यू ऑलरेडी नो दैट गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस। प्रोविजन ऑफ प्रॉपर अटेंशन टू न्यूट्रिशन कैन रिमार्केबली ऑल्टर द कोर्स ऑफ इलनेस व्हेन इट अकर्स। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ है न्यूट्रिशन, और एक एसेंशियल पार्ट भी है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारी न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी तो हमें प्रॉपर हेल्थ हमारी होगी, हम डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को एंड इलनेस से भी हम रिकवरी कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर अटेंशन देंगे न्यूट्रिशन को तो वो हमारी इलनेस को रिमार्केबली ऑल्टर भी कर सकता है। इन दिस यूनिट वी शैल डील विद द मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। न्यूट्रिशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेडिकल थेरेपी एज एडिक्वेट न्यूट्रिशन सपोर्ट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट एन एक्सटेंडेड एंड कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल स्टे। वर्किंग क्लोजली विद द फिजिशियन, द न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स न्यूट्रिशनल थेरेपी नीड्स एंड प्लान ऑफ केयर। Who is a dietitian? What are his her roles and responsibilities? How can patient care and counseling help to improve a patient's status? These are the issues which we shall study in this unit. So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि nutrition जो है वो एक medical therapy का integral part है। और अगर हम यहाँ ये देखेंगे कि dietitian का role क्या होता है, responsibilities क्या होती है किसी hospital में या किसी medical structure में पूरा, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि हम काउंसलिंग कैसे करते हैं, पेशेंट की केयर कैसे करते हैं उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग। दिस यूनिट आल्सो फोकसेस ऑन न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस, इट्स कंपोनेंट्स एंड इट्स इफेक्टिवनेस। एज यू रीड ऑन यू वुड रियलाइज दैट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल केयर इज टू इंश्योर दैट ऑल पेशेंट्स आर एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली नरिश्ड। वी शैल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस अंडर द फॉलोइंग सबसेक्शंस, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल केयर प्लान, implementation of the plan and evaluating the efficacy of the nutritional care plan. So इसमें हम ये बात करेंगे कि nutritional care process क्या क्या दिए जाते हैं, उनके components क्या होते हैं, effectiveness क्या होती है, हम properly हमारा कोई भी nutritional nutritionist है उसका एक proper एक important function होता है उसको adequate और appropriately nourish उसको करना है अपने patients को। यहाँ हम subsections देखेंगे nutritional assessment का भी, care plan कैसे बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं हम, और पूरा उसकी इवेल्यूएट करने के बाद भी। देन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशनल केयर, लर्न हाउ टू इवेल्यूएट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशनल केयर को हम डिस्क्राइब कर सकेंगे क्या प्रोसेस होती है इन्वॉल्व उसमें, और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे हम डिसाइड करेंगे इंडिविजुअल का। देन प्लान करेंगे, प्लान इम्प्लीमेंट एंड इवेल्यूएट न्यूट्रिशनल केयर बेस्ड ऑन द असेसमेंट। अब हमने ऊपर असेस किया किसी भी इंडिविजुअल को तो उसका प्लान क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको हम इवेल्यूएट कैसे करेंगे उसके न्यूट्रिशनल केयर को। देन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम अप्रोच इन थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। हम इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंट केयर और काउंसलिंग भी हाईलाइट करेंगे, और बाकी हम ये भी देखेंगे कि टीम कैसे एक अच्छा टीम वर्क कैसे प्ले रोल प्ले करता है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस एंड रोल ऑफ डाइटिशियन इन हेल्थ केयर से। वी ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड डाइटिशियन, हु इज अ डाइटिशियन, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डाइटिशियन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हिज दिस एंड मच मोर इन दिस सेक्शन, बट बिफोर दैट लेट अस गेट टू नो व्हाट वी मीन बाय द टर्म डाइटेटिक्स। अभी हम डाइटिशियन के बारे में देखेंगे, पहले हम डाइटेटिक्स देखते हैं कि व्हाट इज डाइटेटिक्स। Dietetics, the science and art of human nutrition care. Dietetics क्या होता है basically? Dietetics has been defined as the science and art of feeding individuals based on the principles of nutrition. So हमको ये वाली एक definition मिल गई कि dietetics क्या होता है। Dietetics हमें यहाँ बताया जा रहा है कि ये science and art of feeding individuals है according to principles of nutrition. जो भी हमारे principles हैं nutrition में उसके according हम किसी भी individual को कैसे feed करते हैं, तो ये एक अपने में ही एक साइंस है, एक आर्ट है। ओके, तो साइंस ऑफ आर्ट एंड ठीक है, हैज बीन डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ फीडिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट कैन आल्सो बी सेड टू बी द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर। वही बात है, डाइटेटिक्स इज द स्टडी ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लानिंग सूटेबल डाइट्स इन हेल्थ एंड डिजीज। इन अदर वर्ड्स, डाइट थेरेपी एंड इट्स एप्लीकेशन इन पेशेंट रिलेटेड सेटिंग्स इज अ मेजर फोकस ऑफ डाइटेटिक्स।
एक सिंपल सी इसकी अगर हम देखें लैंग्वेज तो ये दे रखी है कि डाइटेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लानिंग सुटेबल डाइट इन हेल्थ एंड डिजीज। तो बेसिकली यही बताया जा रहा है कि डाइटेटिक्स क्या होती है, हम प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल का प्लान कैसे करते हैं डाइट उसके हेल्थ या उसके डिजीज के अकॉर्डिंग। Thus, the field of dietetics can be related to nutritional care and intervention focused on the individual and nutrition care and intervention focused on the group. अब या तो हम individual की बात करेंगे या हम group की बात करेंगे, right? अब हम बात कर रहे हैं, traditionally nutritionists have focused largely or almost fully on biological aspects of nutrition. Okay. However, we have realized over the years that physiological biochemistry does not provide answers fully to the problems in human nutrition. Thus, nutritionists are moving towards a comprehensive approach to human nutrition and societies, as well as professionals from a variety of related fields have begun to increasingly recognize the central role in every aspect of life. अब हम ये देखते हैं कि nutritionists जो थे ना वो पहले biological aspect को ही focus करते थे पहले कि बायोकेमिस्ट्री क्या है कैसा है सब कुछ। अब हम ये देख रहे हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है ना वो बाकी फील्ड को भी कंसिडर कर रही है, जैसे सोसाइटी को भी कंसिडर कर रही है, दूसरी रिलेटेड फील्ड को भी कंसिडर कर रही है और वहाँ पर भी सब में उनका रोल भी देखा जा रहा है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनएक्सप्लिकेबल नेचर ऑफ बायोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन लाइफ आर नाउ मेकिंग इट ऑब्वियस दैट वी नीड अ होलिस्टिक और इनकम्पासिंग अप्रोच टू ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो ये कह रहे हैं कि देखो साइंस भी बढ़ रहा है, अलग अलग बायोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है इनसे हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग चीज नहीं दे सकते, बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए जो पूरी होलिस्टिक मतलब होल, ओके मतलब पूरा टॉप टू बॉटम तक उनका एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जिसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का रोल हो। अब यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ दे रखा है कि डाइटेटिक्स प्रैक्टिस कहाँ कहाँ होती है, डाइटेटिक्स प्रैक्टिस सोशल साइंस फिजियोलॉजी ये सारे इनके अलग अलग रिलेटेड फील्ड्स हैं, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फूड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिहेवियरल साइंसेज सोशल साइंसेज फिजियोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि इन सब फील्ड में भी हमारे डाइटिशियन का रोल प्ले होता है। The body can utilize nutrients only after food is eaten, obviously. Therefore, nutritionists and dietitians need to consider all those factors which influence or rather determine what, how, when, why and how much a person eats. अब देखो कुछ भी आप खाते हो तभी खाने के बाद ही तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना, बिना खाए तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं। तो ये जरूर इसलिए ये है कि हर न्यूट्रिशन को ये देखना पड़ता है कि कोई भी पेशेंट कितना खा रहा है, कब खा रहा है, क्यों खा रहा है, उसका पूरा खाने का पूरा प्रोसेस देखना पड़ता है ताकि उसको हम उसके न्यूट्रिएंट्स को असेस कर सकें। टेबल 1.1 समराइजेस द वेरियस बायोलॉजिकल सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट फूड चॉइसेस। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे फूड चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं, ओके factors affecting food choices hain. If you examine which services fields deals with these issues, you will move into the realm of sociology, ecology, anthropology, psychology. So basically, agar aap zyada deep mein jaoge to aapko dusri realm bhi niklegi, dusri fields bhi niklegi jisme sociology aa jata hai, ecology, anthropology aa jata hai, psychology aa jata hai. To ek wide dene ke liye, ek wide concept batane ke liye hame yahan pe dikhaya ja raha hai कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारे फूड चॉइसेस को, वो क्या हैं। पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर बेसिकली क्या है, हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, ठीक है। सपोज कोई फीमेल है वो मोटी है, ज्यादातर किसी उसके बच्चा भी मोटा ही हो जाता है, नॉट ओबीस बट लाइक हेल्दी, नो मोटी राइट वर्ड नहीं हो सकता, हम हेल्दी बोल सकते हैं, मतलब काफी बार ट्रेड्स पास ऑन हो जाते हैं तो हम वो हेरिडिटी के अंदर आ जाता है। देन न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा, स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक जैसे प्रेगनेंसी है तो ये स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, स्पेशल कोई डिजीज है एबनॉर्मल कंडीशन है वो भी फिजियोलॉजी बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है। फिर टेस्ट प्रेफरेंस क्या है उसका, ठीक है स्पाइसी खाता है शुगर कैसे खाता है वो सारा बायोलॉजिकल, इंडिविजुअल क्रेविंग्स लाइक्स और डिसलाइक्स वो सारा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है। देन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है कि उसका एजुकेशन कैसा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से ज़्यादा न्यूट्रिशन है कौन से ज़्यादा नहीं है,
ठीक है, इनकम क्या है कि क्या वो खरीद सकता है ज़्यादा मतलब रेट वाली चीज़ें जो ज़्यादा न्यूट्रिशन। सपोज एवोकाडो है, एवोकाडो इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, सो उसके स्टेटस में भी या उसके इनकम में भी हमें देखना पड़ेगा कि वेदर ही इज़ एबल टू बाय दैट और नॉट। देन ट्रेडिशन क्या है, बिलीव्स क्या है। सपोज कोई जैन है वो नॉनवेज नहीं खाते, बट अलग लोग जो हैं वो जो नॉनवेज खाते हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन स्टेटस कुछ और होगा। सेम कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे मिड डे मील हो गई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर क्या आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर कर देता है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिसमें ज्योग्राफी आता है कि अगर कोई चीज़ आपके यहाँ पे उग रही है, नहीं उग रही है आपके एरिया में। फिर टेक्नोलॉजी की, कैसे टेक्नोलॉजी उसको हैम्पर तो नहीं कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारे फूड उसके अंदर आते हैं, फूड फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड चॉइसेस। देन है डाइटेटिक्स ऑप्टिमाइजेस द न्यूट्रिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल्स। डाइटेटिक्स देयर फॉर रिक्वायर इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच सिंस द न्यूट्रिशन एंड डाइट काउंसलिंग इज नॉट ओनली साइंस, इट इज एन आर्ट। सो ऑब्वियसली एक आर्ट है ये, हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल देखना पड़ता है। ये सिर्फ जस्ट एक साइंस नहीं है, हमें हर किसी का अपना एक अकॉर्डिंग, एक अपना एक शेड्यूल होगा। देन लेट अस नेक्स्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स रिलेटेड विद डाइटेटिक्स, क्लिनिकल डाइटेटिक्स एंड मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी MNT। वॉट आर दीज एंड वॉट इज देयर रोल इन न्यूट्रिशन केयर, लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। तो अब हम और देखेंगे डेफिनेशंस को, क्लिनिकल डाइटेटिक्स देखेंगे हम, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी MNT जिसको हम कहते हैं वो देखेंगे। सो क्लिनिकल डाइटेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ डाइटेटिक्स इन अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। तो क्लिनिकल डाइटेटिक्स हम क्या कहते हैं, अगर हम डाइटेटिक्स मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल सेटिंग में या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में, तो वो क्लिनिकल डाइटेटिक्स हो जाता है। क्लिनिकल डाइटेटिक्स फोकस ऑन एन इंडिविजुअल न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड सिम्टम मैनेजमेंट। तो किस में फोकस होता है, वो इंडिविजुअल में, उसका न्यूट्रिशन सपोर्ट में और सिम्टम उसके जो भी आ रहे हैं उसके मैनेजमेंट में। ओके, मतलब कोई इलनेस है हो या होने वाली है उसके मैनेजमेंट में, सिम्टम्स में। तो ये सारा हमारा क्लिनिकल डाइटेटिक्स डाइटेटिक्स के अंदर आता है। देन है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जिसको हम MNT भी कहते हैं। MNT इज डिफाइंड एज द असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट फॉलोड बाय न्यूट्रिशनल थेरेपी रेंजिंग फ्रॉम अ डाइट मॉडिफिकेशन। सो अगर कोई क्लाइंट आ रहा है आपके पास, सपोज ऑनलाइन क्लाइंट है, कुछ भी है, या फिर जिम में है, तो हम उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करेंगे, उसको हम न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे। ठीक है, उसकी असेसमेंट के बाद उसकी डाइट को मॉडिफाई करेंगे, उसकी स्पेशल न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे सच एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटेरियल एंड पेरेंटेरियल न्यूट्रिशन एंड मॉनिटरिंग टू इवेल्यूएट द पेशेंट। ओके, सो MNT जो हो जाता है वो हो जाता है कि हम पहले किसी और की न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट आ रहा है, उसके बाद हम उसकी न्यूट्रिशनल थेरेपी को मॉडिफाई कर रहे हैं उसकी स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग। सपोज किसी का सर्जरी हुआ हुआ है माउथ का, और वो माउथ से अपने आप को फीड कर ही नहीं सकता, तो उसमें उसमें अगर हमें नर्सों के जरिए हमें अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो वो एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, राइट? तो वो अकॉर्डिंग, वो स्पेशल एक ट्रीटमेंट हो गया, तो वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर आता है। MNT में ऑल्सो भी डिफाइंड एज न्यूट्रिशनल डायग्नोस्टिक थेरेपी एंड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। अगर कोई डिजीज है उसकी मैनेजमेंट करने के लिए, सपोज किसी को कैंसर है, सपोज माउथ कैंसर हो जाता है लोगों को, तो वो नहीं खा पाते माउथ से डायरेक्टली, तो उनको हमें देना पड़ता है पाइप लगा के डायरेक्टली खाना। तो उसमें न्यूट्रिशन उनका एंटेरल या पेरेंटेरल रूट से चला जाता है, तो वो एक, वो सारी ये जो एग्जांपल है ये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर आता है। MNT स्टार्ट्स विद द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट विद अ कंडीशन, इलनेस और इंजरी दैट पुट्स देम एट रिस्क। दिस इंक्लूड्स द रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ मेडिकल एंड डाइट हिस्ट्री, लेबोरेटरी वैल्यूज एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। बेस्ड ऑन द असेसमेंट, अ न्यूट्रिशनल केयर प्लान मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैनेज द कंडीशन और ट्रीट द इलनेस और इंजरी इज फॉर्मुलेटेड। द MNT ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड क्लिनिकल आउटकम्स। अप्रोप्रिएट मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्रोवाइडेड बाई द डायटेटिक्स प्रोफेशनल हैज बीन शोन टू रिजल्ट इन हेल्थ बेनिफिट्स एंड रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। MNT के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई इलनेस है,
या इंजरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसकी डाइट प्लान कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं न्यूट्रिशनल थेरेपी में, तो वो सारा हमारा MNT के अंदर आता है। इसी के अंदर हमारा उसके अब हम जब भी प्लान करते हैं तो हम उसकी डाइट हिस्ट्री देखते हैं, उसकी लैब वैल्यूज देखते हैं, उसकी रिपोर्ट देखते हैं, राइट? तो वो सारा हमारा MNT के अंदर आता है। डाइट ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दी हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। ये तो हम कह ही सकते हैं कि डाइट का बहुत क्रूशियल रोल है किसी भी हेल्थ या वेलबींग ऑफ पीपल में। अ गुड एंड बैलेंस्ड डाइट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड इनएडिक्वेट फूड इनटेक आर द मेजर कॉजेज ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स आर फील्ड्स रिलेटेड टू दिस फूड एंड न्यूट्रिशन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब जो डाइट है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हेल्थ और वेलबींग लोगों के। और अगर अगर एक अच्छी डाइट है, एक वेल बैलेंस डाइट है, तो वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है अच्छे एक्सटेंट में। अगर किसी की पुअर ईटिंग हैबिट्स है या इनएडिक्वेट है फूड इनटेक, तो ऑब्वियसली उसको बीमारियां हो सकती हैं। तो न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स जो है वो फील्ड इसी चीज़ के बारे में है कि हम फूड और न्यूट्रिशन को देख रहे हैं अपने एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड द रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स फॉर द बॉडी। तो हम देखेंगे, स्टडी करेंगे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली कि अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड का क्या रोल होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की अलग अलग कंपोनेंट्स में। वन बिकम्स अवेयर ऑफ द राइट टाइप ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स अ बैलेंस मिक्स ऑफ द एसेंशियल विटामिन मिनरल्स एक्सेट्रा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी। तो हम ये देख सकेंगे कि हमारी वेल बैलेंस्ड डाइट जो होती है जिसमें विटामिन मिनरल्स है, हम उसकी इम्पोर्टेंस देख सकेंगे, अवेयर हो सकेंगे। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है फूड के न्यूट्रिएंट्स। दिस फील्ड फाइंड एप्लीकेशन इन मेडिसिन, वेटनरी, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये अलग अलग फील्ड्स में भी होता है, मेडिसिन में, वेटनरी में, एग्रीकल्चर में है, पब्लिक हेल्थ में भी अलग अलग फील्ड्स में इसका रोल प्ले होता है। डाइटेटिक्स इज द इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू इनेबल पीपल टू मेक इंफॉर्म्ड एंड प्रैक्टिकल चॉइसेस अबाउट फूड एंड लाइफस्टाइल इन बोथ हेल्थ एंड डिजीजेस। तो डाइटेटिक्स क्या है? एक इंटरप्रिटेशन है, कम्युनिकेशन है साइंस न्यूट्रिशन की, साइंस की, ताकि लोगों को पता चल सके, वो इन्फॉर्म्ड हो सके, ताकि वो खुद अपने आप ही प्रैक्टिकल चॉइस कर सके कि उसको उनको किस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए, किस टाइप का वो फूड खाना चाहते हैं, चाहे उनकी हेल्दी स्टेट हो या डिजीज स्टेट हो, उन सब में उनको बेसिकली हम इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट दी साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। अ डाइटिशियन विल हैव ट्रेनिंग इन बोथ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर कोर्स। मोस्ट डाइटिशियंस आर एम्प्लॉयड इन द हॉस्पिटल्स बट मे ऑल्सो वर्क इन द फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, रिसर्च एंड ऑन अ फ्रीलांस बेसिस। तो बेसिकली डाइटिशियन की पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल्स में, अलग अलग कम्युनिटी सेटिंग्स पे भी हो सकती है, और या फिर फूड इंडस्ट्री में भी हो जाती है, एजुकेशन सेटिंग में भी हो जाती है, रिसर्च में भी जाते हैं, और कुछ कुछ फ्रीलांस बेसिस में भी करते हैं काम। इट इज नेसेसरी फॉर देम टू हैव अ रिकॉग्नाइज डिग्री, MSc और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स टू वर्क एज अ डाइटिशियन। ऑब्वियसली उनको डिग्री चाहिए ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो या MSc हो, तभी उसके बाद वो एज अ डाइटिशियन कर सकते हैं रोल प्ले। यू आर ट्रेनिंग टू बी अ डाइटिशियन एंड योर रोल इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव न्यूट्रिशनल केयर इन डिफरेंट हेल्थ सेटिंग्स एंड टू फंक्शन एज अ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट इन क्लिनिकल डाइटेटिक्स और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। द वेरियस टास्क एंड द रोल ऑफ डाइटिशियन आर एन्यूमरेटेड नेक्स्ट। तो अब हम रोल देखेंगे डाइटिशियन का, ओके? क्योंकि आप एक डाइटिशियन हैं, आप पढ़ रहे हैं अबाउट दी डाइटेटिक्स, तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द रोल्स ऑफ डाइटिशियन इन हेल्थ केयर। द रोल ऑफ दी डाइटिशियन हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस द अर्ली 1900s। देयर रोल इज स्टिल अननोन टू अ लॉट ऑफ पीपल। सम थिंक दैट डाइटिशियन एज देयर नेम इम्प्लाइज ओनली गिव आउट डाइट टू मेक इंडिविजुअल लूज वेट, वेयर एज दिस इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर रोल। The dietitian has a defined role concerning the ethical issues and dilemmas of nutrition care for patients.
डाइटिशियन इज द लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड द मेडिकल टीम और फिजिशियन इन असिस्टिंग डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग अबाउट न्यूट्रिशन केयर. सो बेसिकली डाइटिशियन बहुत बहुत लंबे पुराने टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहा है, 1900 से ही, बट अभी तक काफ़ी लोगों को पता नहीं है अबाउट द रोल ऑफ डाइटिशियन. ज़्यादातर डाइटिशियन वर्ड से लोगों को ये लगता है कि वो सिर्फ एक वेट लूज करने के लिए डाइट चार्ट वगैरह बनाते हैं, बट वो एक बस एक स्मॉल पार्ट है. उनका बाकी रोल पे भी होता है. जैसे एक कोई मेडिकल टीम है, कोई पेशेंट है, तो उनके साथ एक मेडिकल टीम का ही हिस्सा होता है डाइटिशियन भी, और वो असिस्ट करता है, पार्ट ऑफ टीम होता है किसी भी न्यूट्रिशन केयर किसी पेशेंट का असिस्ट करने में, या फिजिशियन जो है किसी पेशेंट के उनको असिस्ट करने में. और डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइटिशियन रोल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑफ अ टर्मिनली इल पेशेंट मे बी एज फॉलोज. द डाइटिशियन नीड्स टू कंटिन्यू to play an essential role in evaluation and decision making in the nutritional status of the terminal patient. No individual is better trained to interpret and coordinate nutrition issues between the patient and the other members of the healthcare team in this unique situation. The development of new feeding technologies, supplements and interventions will continue to force difficult decisions to be made concerning the benefit of these modalities and the desires of the patient. So, agar koi terminally ill patient hai, टर्मिनल पेशेंट है, तो उसकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट में भी, हेल्थ केयर में भी डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जिसमें न्यू फीडिंग टेक्नोलॉजीज भी डाइटिशियन बताता है, सप्लीमेंट कैसे करना है, इंटरवेंशन कैसे देने हैं, ये सब फाइनल डिसीजंस जो होते हैं वो एक डाइटिशियन का होता है. टीम मेंबर, मेडिकल टीम मेंबर के साथ वो भी एक रोल प्ले करता है. सेवरल मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिमार्क्ड ऑन द रोल ऑफ द डाइटिशियन इन न्यूट्रिशनल केयर इश्यूज एंड डिलेमास. These have been presented for your knowledge in box 11, box 1 herewith. So, role of dietitian in nutrition care is box mein unhone de rakha hai. So, Asian Society of Parenteral and Enteral Nutrition, ASPEN, states that the dietitian's role in nutrition care has been to recommend an adequate source and amount of balanced nutrient according to pre-established standard of care. So, basically, Asian Society of Parenteral or Enteral न्यूट्रिशन ये कहता है कि डाइटिशियन का जो रोल है वो ये है कि एडिक्वेट सोर्स या फिर अमाउंट ऑफ बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके अपने पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जो दे रखे हैं. अ डिलेमा अकर्स व्हेन द डिजीज स्टेट ऑफ द पेशेंट कन्फाउंड्स द एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट विच हैज रिजल्टेड इन पेशेंट्स माल न्यूट्रिशमेंट. सो बेसिकली पेशेंट का कोई माल न्यूट्रिशमेंट है तो भी उसको न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी कैसे देनी है, सपोर्ट कैसे देना है, वो भी रोल होता है डाइटिशियन का. द अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन, जिसको हम ADA भी कहते हैं, रिमार्क्ड ऑन द रोल ऑफ डाइटिशियन इन फीडिंग डिलेमास. एज द डाइटिशियन लाइक अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैज एन इनहेरेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ एंड द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ ऑल द पर्सन एंड टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सफरिंग. It is the dietitian's responsibility to provide a combination of emotional support and technical nutrition advice on how best to achieve patient's goals within legal parameters. So basically, American Dietetic Association ये कहती है कि apart from nutritional support, उसको patient का जो goal और legal parameters के अंदर रहते रहते उनको technical, nutritional और या emotional support भी देना होता है, वो dietitian का role पे होता है. This statement affirms that dietitians have an active role in the care and support of any and all patients. It is not acceptable to sign off on a patient's medical record when the tough legal and medical decisions are to be made. Instead, the dietitian should be informed on the rights and desires of the patient and of family, informed on the severity of illness and complication of treatment, inclusive of the benefit and burden of feeding in all conceivable routes, active in the patient's care, as the dietitian reporting on the nutritional status of the patient as well as the advisors of the patient and medical team, and inform the legal decision that may help determine the route of care for the patient such as more aggressive or palliative care. So basically ये बताया जा रहा है कि हमें कहीं भी इधर उधर साइन ऐसे ही नहीं कर रहे हैं किसी भी patient medical record में, बल्कि हमें inform करना है और खुद भी होना है patient के desire से, right से, family के right से, और उसकी इनलेस क्या है कि उस कौन सी स्टेज पे है, कौन कौन से रूट से हम बेनिफिट कर सकते हैं हमारे पेशेंट को, और न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है फिजिकल मेडिकल टीम से डिस्कस करके, हमें बाकी सारे लीगल डिसीजंस भी हमें देखने हैं,
और ये हमें क्लियर कट देखना है कि ये पैलिएटिव केयर चल रहा है या फिर ट्रीटमेंट। पैलिएटिव का मतलब होता है सिर्फ टेम्प्ररी। ओके, सम ऑफ द सिचुएशन इज दैट कंसर्न एथिकल डिसीजन इन न्यूट्रिशनल केयर आर एज फॉलोज। डिफिकल्टी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ फॉर ऑफ मालनरिश पेशेंट, प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू कॉम्पिटेंट पेशेंट विद हु रिफ्यूज फीडिंग, बेनिफिट वर्सेस बर्डन क्वेश्चन स्पेशली इन टर्मिनली इल पेशेंट्स एंड इनकॉम्पिटेंट पेशेंट्स हु मे और मे नॉट हैव फैमिलीज टू हेल्प डिटरमाइन देयर विशेज ऑफ फीडिंग। अब ज़्यादातर एथिकल डिसीजंस कौन कौन सा आते हैं न्यूट्रिशनल केयर में, वो आते हैं कि सपोज कोई माल नरिश्ड पेशेंट है तो उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना इनएडिक्वेट है, मतलब जैसे उसकी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, हमें एडिक्वेट सपोर्ट देना है तो उसमें डिफिकल्टीज आती है। अगर सपोज हम उसको खाना दे रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं, बट वो रिफ्यूज हो रहा है फीड, खाना ही नहीं खाना चाह रहा, तो वो भी एथिकल डिसीजंस के अंदर आ जाता है। फिर हमें क्वेश्चंस भी देखने पड़ते हैं, जो कोई अगर टर्मिनली इल पेशेंट है, मतलब जिसकी डेथ फॉर श्योर शॉर्ट है, तो उस पेशेंट के क्वेश्चंस, उनके फैमिली के क्वेश्चंस क्वेश्चंस उनमें हमें डील करना होता है। कोई कोई पेशेंट इनकॉम्पिटेंट होता है, बहुत ही इरिटेबल होता है, तो उनके उनकी विशेष अलग अलग होती है फीड होने की, तो उनको पसंद नहीं है कोई दूसरा टाइप का खाना, तो उनसे इनकॉम्पिटेंट होते हैं वो, तो उनसे हमें डील करना होता है। अ कॉमन सिनेरियो दैट अकर्स इन डेली प्रैक्टिस इज प्रोवाइडिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू माल नरिश्ड पेशेंट्स। द पेशेंट्स हु आर यूजली सीरियसली इल मे हैव कॉम्प्लिकेटिंग मेडिकल कंडीशन दैट इम्पीड डिलीवरी ऑफ एडिक्वेट नरिशमेंट। द डाइटिशियन स्ट्रगल्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन रिलेशन टू द मेडिकल कंडीशन एंड द डिजायर्स ऑफ द पेशेंट। तो बेसिकली हमारा डे टू डे एक्टिविटी में तो यही आता है कि हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना होता है माल नरिश पेशेंट को, और सीरियसली इल पेशेंट है तो उनकी एक कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन रही होती है इन द पास्ट, तो उसको एक्सेस एसेस करना, उसको पढ़ना, देन हमें बस यही है बेसिकली न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है डिजायर्स ऑफ द पेशेंट के अकॉर्डिंग। डाइटिशियंस आर इंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ पोजीशंस एंड इन नंबर ऑफ वर्क सेटिंग्स। ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज इन्वॉल्व इंगेज इन फूड सर्विस एंड इन पेशेंट केयर विद इन हॉस्पिटल्स और आउट पेशेंट। हाउ एवर सम डाइटिशियंस डू वर्क इन फूड सर्विस फॉर स्टूडेंट्स इन द होटल इंडस्ट्री, इन एम्प्लॉय कैफेटेरियाज, फूड एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एज वेल एज कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट। सम आर ऑल्सो इन प्राइवेट प्रैक्टिस एंड मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ डे डाइटिशियन आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग, सेल्स एंड जर्नलिज्म। इफ यू एग्जामिन दीज एक्टिविटीज यू विल फाइंड अ डाइटिशियन सर्विस फोकस ऑन क्लिनिकल सर्विस, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फूड सर्विसेज, वेलनेस, डिजीज प्रिवेंशन, न्यूट्रिशन रिसर्च। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, हमारे और फील्ड्स में भी डाइटिशियन आजकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गई, पब्लिक हेल्थ का हो गया, कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, देन किसी की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्रीज में हो गई, होटल हो गया, हॉस्टल्स हो गए, कैफेटेरिया हो गया, राइट, या रिसर्च हो गया, जर्नलिज्म में चले जाते हैं, मार्केटिंग में चले जाते हैं, या खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं आजकल। सो ये बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ जिसमें हम डाइटिशियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेनी डाइटिशियंस आर बिगनिंग टू बी इन्वॉल्व इन न्यूअर स्पेशलिटी एरिया सच एज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, न्यूट्रिशन एजुकेशन ऑफ द पब्लिक, प्रीनेटल न्यूट्रिशन, एज वेल एज फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। अब न्यूट्रिशन भी एक स्पेशलिटी होने लग गई है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो ओलंपिक्स वगैरह में भी जाते हैं, देन कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी देखते हैं हम, सीवीएस फिटनेस, न्यूट्रिशन एजुकेशन ऑफ द पब्लिक, प्रीनेटल न्यूट्रिशन है ना, प्रीनेटल मतलब बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब अलग अलग स्पेशलिटी भी आजकल करने लग गए हैं लोग रिहेबिलिटेशन में, न्यूट्रिशन। दस डाइटिशियन प्रैक्टिस रोल्स आर रैपिडली चेंजिंग एज द हेल्थ नीड्स ऑफ सोसाइटी चेंज एंड एज द हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व्स एंड डेवलप्स टू मीट सोसाइटी सोसाइटल नीड्स। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चेंज हमारे रोल भी चेंज होते हैं डाइटिशियन के। दिस नेसेसिटेट डाइटिशियन पोजेसिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्किल्स बियॉन्ड द टेक्निकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। डाइटिशियन नीड टू हैव कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन स्किल बोथ ओरल एंड रिटन, सिंस दे मे बी एक्सपेक्टेड टू प्लान, ऑर्गेनाइज, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स, क्लाइंट्स एंड ग्रुप। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि टेक्निकल नॉलेज के अलावा
प्रैक्टिकल स्किल्स के अलावा उसकी ओवरऑल और रिटर्न स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको प्लान आउट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, इंप्लीमेंट करना है, चाहे इंडिविजुअल के, क्लाइंट के या ग्रुप के न्यूट्रिशनल एजुकेशन को इवैल्यूएट करना है. ओके, इन ऑल ऑफ दिस द डाइटिशियंस इन्वॉल्वमेंट इज नॉट ओनली इन थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, दैट इज रिहैबिलिटेशन, बट ऑल्सो हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस. अब सिर्फ उसको रिहैबिलिटेट नहीं करना कि भाई न्यूट्रिशनल स्टेटस को माइनर चेंजेस, उसको बेसिकली हेल्थ को भी प्रमोट करना है, हेल्थ को भी मेंटेन करना है. हाई रैंकिंग कॉम्पिटेंसीज आर नीडेड टू अप्लाई स्किल्स इन कम्युनिकेटिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एट अ लेवल अप्रोप्रिएट टू डिफरेंट ऑडियंस. अ गुड प्रोफेशनल डाइटिशियन शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू सेलेक्ट एंड और डेवलप न्यूट्रिशन एजुकेशन मटीरियल्स एंड अप्रोचेस अप्रोप्रिएट फॉर अ वेराइटी ऑफ टारगेट ग्रुप्स. तो यही बता रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के टारगेट करना पड़ता है, अलग अलग उनकी डाइटिशियन की अपनी अपनी स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए. इन फूड सर्विस सिस्टम्स द डाइटिशियन विल हैव मेनी मैनेजेरियल रोल्स टू प्ले, एग्जाम्पल ओरिएंटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ, काउंसलिंग सबॉर्डिनेट, प्रोवाइडिंग ऑन दी जॉब एंड इन सर्विस ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन दैट मीट द नीड ऑफ द एम्प्लॉयज. तो बेसिकली अलग अलग मैनेजर रोल भी प्ले करने पड़ते हैं डाइटिशियन को, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, डेवलपिंग करना पड़ता है स्टाफ की, काउंसलिंग करनी पड़ती है, राइट? तो अलग अलग रोल प्ले होता है अदर देन जस्ट मेकिंग अ डाइट चार्ट. अनदर अपकमिंग एरिया इज होम हेल्थ केयर, वेयर पेशेंट काउंसलिंग, केयर गिविंग, एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डाइट हिस्ट्री एंड डेवलपिंग अ न्यूट्रिशन केयर प्लान आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज. तो अलग दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज भी आती है, जैसे काउंसलिंग करना, केयर गिविंग, एजुकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, हिस्ट्री लेना, राइट, न्यूट्रिशन केयर प्लान बनाना. डाइटिशियंस आर इन हेल्पिंग प्रोफेशन बिकॉज दी सर्विसेज दे प्रोवाइड आर बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एंड डेडिकेटेड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल. सो बेसिकली जो डाइटिशियन है वो भी एक डेडिकेटेड जॉब है, डेडिकेशन देनी है उन्हें सोसाइटी में ताकि इम्प्रूव हो सके न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल एंड एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी. हेल्पिंग प्रोफेशंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोफेशनल्स दैट डू समथिंग विद नॉलेज, एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग न्यूट्रिशनल साइंस टू बेनिफिट द हेल्थ ऑफ पीपल. हम हेल्पिंग प्रोफेशनल्स जिनको कहते हैं, उन प्रोफेशनल्स को जो अपनी नॉलेज को लेके, चाहे वो कम्युनिकेट हो, इंटरप्रेट करना हो, अप्लाई करना हो अपनी न्यूट्रिशनल नॉलेज को, साइंस को, ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके, उनको हम हेल्पिंग प्रोफेशनल्स कहते हैं. हेल्पिंग प्रोफेशनल्स नीड अ वैरायटी ऑफ स्किल्स. अब वैरायटी ऑफ स्किल्स होनी चाहिए हेल्पिंग प्रोफेशनल्स की, क्या क्या होती है वो? टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यूइंग, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, एबिलिटी टू रिलेट टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स, इफेक्टिवनेस इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज, कैपेसिटी फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप, नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी, ग्रुप एंड सोसाइटल डायनेमिक्स. तो बेसिकली ये स्किल्स होनी चाहिए कि ताकि आप इंटरव्यू ले सको, काउंसलिंग कर सको, राइट, अंडरस्टैंड कर सको. कैपेसिटी होनी चाहिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो कुछ कुछ स्किल्स ये होती हैं एक हेल्पिंग प्रोफेशनल्स पे होनी चाहिए. इफ अ डाइटिशियन हैज दीज स्किल्स, शी कैन असिस्ट अदर्स और हर सेल्फ, बी एबल टू असेस मेनी और ऑल डायमेंशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड स्टिमुलेट एक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज एंड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन. तो बेसिकली अगर ये स्किल्स होगी किसी डाइटिशियन में तो वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, अलग अलग डायमेंशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी दे सकेगा ताकि पॉजिटिव चेंज हो प्रॉब्लम रिजोल्यूशन करने के लिए. अलॉन्ग विद द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एन्यूमरेटेड अबव, द डाइटिशियन इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द चेन ऑफ पेशेंट केयर डिसीजन. लेट अस सी हाउ. बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है एक डाइटिशियन पेशेंट केयर डिसीजन में, एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है इन द चेन जब पेशेंट केयर डिसीजन लेते हैं. अब देखते हैं कैसे. कंसल्टिंग विथ फिजिशियंस. अब सबसे पहला आता है जो डाइटिशियन होता है वो फिजिशियंस के साथ कंसल्ट करता है. फिजिशियंस कौन होते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं किसी पेशेंट के, ठीक है, उनके साथ हम कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं बेसिकली. यूजुअली द डाइटिशियंस रोल इन फीडिंग डिलेमास इज सीन एज सेकेंडरी एंड द फिजिशियंस रोल इज द फोकस. इन रियलिटी द डाइटिशियन इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द चेन ऑफ केयर डिसीजन.
often serving as an consultant or a fact gatherer for the physician and or medical team. बेसिकली वो एक लिंक होता है एक इम्पॉर्टेंट चेयर में पेशेंट केयर डिसीजन लेने में, उसमें वो फैक्ट गैदर करता है उसकी हिस्ट्री लेने से. राइट, फैक्ट गैदर कैसे करेगा जब पेशेंट की हिस्ट्री लेगा, ठीक है, मेडिकल टीम के साथ फिर देन डिस्कशन होता है. और कब हमारा रोल आता है किसी भी डाइटिशियन का, जब फीडिंग डिलेमास होते हैं कि हम फीड कैसे करें पेशेंट को, उस टाइम पे डिस्कशन होता है फिजिशियन के साथ. Though the presentation of relevant information, the dietitian becomes a part of the decision-making body that assists patient in their care. A scenario of a dietitian consulting the medical team is described in this case example of the dietitian's role in an ethical dilemma regarding the allocation of two feeding pumps among seven critically ill patients who need the pumps. The nutrition care dilemma in this case was an insufficient number of pumps available for the number of patients needing the pumps. A dilemma is a choice between two alternatives, neither being totally ideal. The medical team had to search for both medical and moral reasons for selecting one patient over the other for the use of the feeding pump. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि example कि suppose कोई patient है जिसको feeding pump चाहिए जो normal नहीं खा पा रहा, suppose किसी को दो feeding pump चाहिए but hospital के पास नहीं है और patients को भी चाहिए फीडिंग पम्प, तो हमें चॉइस करनी पड़ती है कि किस पेशेंट को हम दें किसको नहीं दें. इसमें भी एक डाइटिशियन का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन द मेडिकल टीम हैड टू सर्च फॉर बोथ, ये हमने देख लिया कि हमें देखना पड़ता है कि दो पेशेंट के बीच में चॉइस करनी पड़ती है. द चॉइस ऑफ द टीम वॉज टू गिव द फीडिंग पम्प टू दोज पेशेंट हु वर deteriorating the most quickly and where nutrition support was critical. अब ये बता रहे हैं कि हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है, किसी एक पेशेंट को जिसकी ज्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट हो, जिसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है. राइट, एज द पेशेंट इम्प्रूव्ड फीडिंग वॉज चेंज टू ओरल मेथड टू अलाउ द फीडिंग पंप टू हेल्प अनदर पेशेंट. सो हमारे को देखना पड़ता है कि किस पेशेंट, कौन सा पेशेंट क्रिटिकली इल ज्यादा है जिसको फीडिंग पंप चाहिए, तो ओरल मेथड के को चेंज करके हम फीडिंग पंप दे देते हैं दूसरे पेशेंट को. इन अदर वर्ड्स, थ्रू केयरफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन द फीडिंग पंप्स वर रोटेटेड टू द सेवन पेशेंट एज मेडिकली नेसेसरी. अगर सपोज किसी सेवन पेशेंट को फीडिंग पंप चाहिए और फीडिंग पंप हमारे पास कम है, तो हम फीडिंग पंप वन बाय वन रोटेट कर देंगे सेवन पेशेंट्स में, जिसको अकॉर्डिंग टू द मेडिकली उनको कितनी नेसेसरी है उनके लिए. अ फोर स्टेप प्रोसेस ऑफ मोरल जजमेंट एंड एक्शन कैन बी यूटिलाइज एंड एनालाइज द फीडिंग पंप अलोकेशन प्रॉब्लम. द फोर स्टेप प्रोसेस इंक्लूड गैदरिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द एथिकल डिलेमा, डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड कंप्लीटिंग द एक्शन. द फॉलोइंग लिस्ट सर्व एज एन आउटलाइन टू द प्रोसेस. सो बेसिकली ये है कि हमारे एथिकल हम फोर स्टेप देखते हैं कि कैसे हम चूज कर सकते हैं कि किस पेशेंट को क्या चाहिए, किस पेशेंट को ज्यादा नीड है. तो अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा रोल अलग अलग हेल्थ केयर वालों के साथ क्या होता है. तो ये फोर हमारे प्रोसेस क्या बताया इन्होंने, इम्प्लीमेंट अ प्रैग्मेटिक मॉरल जजमेंट एंड एक्शन प्रोसेस, कंसर्व विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स. द डाइटिशियन एंड द मेडिकल टीम रैंक विद पेशेंट इन अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट नीड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब हम रैंक कैसे करेंगे किसी पेशेंट को कि किसको किसको ज्यादा चाहिए फीडिंग पंप, किसको कम, उनको रैंक कैसे देंगे हम, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग देंगे हम, मोरल जजमेंट के अकॉर्डिंग. राइट, तो देखते हैं हम पहले प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है. द डाइटिशियन प्रेजेंट अ न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट दैट मे इंक्लूड इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू आइडियल बॉडी वेट, हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, पर्टिनेंट लेबोरेटरी वैल्यूज एंड एंथ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेंट. हम कैसे देखेंगे उसका प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, क्या वो उसका बॉडी वेट क्या लूज हो रहा है या उसका आइडियल बॉडी वेट है, क्या उसकी हिस्ट्री है क्या बॉडी वेट लूज की, देन उसकी वैल्यूज क्या है, लैब वैल्यूज क्या है, मतलब रिपोर्ट कैसी आ रही है, उनके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स कैसे हैं, मेजरमेंट कैसे हैं. तो ये हमारा सारा प्रेजेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर आता है. देन नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ डाइट एंड और ट्यूब फीडिंग टॉलरेंस. द डाइटिशियन प्रेजेंट्स द पेशेंट्स हिस्ट्री व्हिच मे इंक्लूड प्रेजेंस और हिस्ट्री ऑफ एमिसिस, वॉमिटिंग, डायरिया, फैट माल एब्जॉर्प्शन एंड फूड एलर्जी एंड और लैक्टोज इंटॉलरेंस. तो बेसिकली अभी तो हमने प्रेजेंट स्टेटस देखा, देन हम हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में उसका क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसको वॉमिटिंग की हिस्ट्री रही है, क्या उसे डायरिया रहा है, क्या उसको फैट माल एब्जॉर्प्शन होता है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है या उसको किसी चीज से एलर्जी है.
फ्रॉम आर डिस्कशन अबव इट इज एविडेंट दैट द डाइटिशियन अलॉन्ग विद द फिजिशियन या डॉक्टर शुड वर्क एज अ टीम टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशनल केयर. लेट अस नेक्स्ट हैव अ लुक एट द अदर एरियाज वेयर द डाइटिशियन रोल इज कंसिडर्ड क्रूशियल. तो अभी हमने पढ़ा है कि डाइटिशियन का रोल विद द डॉक्टर्स या फिजिशियन, ताकि एक एज अ टीम वो काम कर सके ताकि बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड कर सके अपने पेशेंट को. ओके तो यहाँ तक अभी हमने ये पढ़ा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के रोल ऑफ डाइटिशियन.